सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना लोकअप में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई बंदी की मौत पर उस समय नया मोड़ ले लिया जब मृतक का परिवार दोषी पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर न लिखे जाने तक मृतक का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मृतक के भाई संजय कोरी का कहना है कि जिस प्रकार से हमारे भाई की मौत जिम्मेदार पुलिस वालों के कारण हुई है, उसी प्रकार उन्हें भी दंड मिलना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जानी चाहिए। कई थानों की पुलिस मृतक के गांव में लगा दी गई है, जिससे कि मृतक के परिवार पर दबाव बनाकर मृतक का अंतिम संस्कार कराया जा सके, लेकिन परिवार एफआईआर पर अड़ा हुआ है। उदय प्रताप का कहना है कि पुलिस प्रताड़ना से बंदी की मौत हुई, जब तक दोषी पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर लिखकर उन्हें दंडित नहीं किया जाता, तब तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और ना ही धरना खत्म होगा। और कल तक इस धरने को वृहद रूप देकर पूरे सुल्तानपुर को बंद किया जाएगा। राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना और बसपा के पदाधिकारियों ने हमारे न्यूज चैनल प्राइम एटी न्यूज चैनल से बताया कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता। सुल्तानपुर से राजेश जायसवाल की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। आपका नाम भैया? मेरा नाम उदय प्रताप कोरी एडवोकेट है, मैं राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना का अध्यक्ष हूँ। और कल ही हमको रात में सूचना मिली कि जो है कुड़वार थाना के अंतर्गत, ये जो है कुड़वार थाने के अंतर्गत ही कुड़वार थाने में ही राजेश कोरी नाम के व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले गई और रात भर बंद की थी, दिन में जो है लॉकअप के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। उसके सिलसिले में आज हम लोग सुबह जो है अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुँचने के बाद हम लोग जो है तमाम अधिकारियों से बात की गई। बात करने के बाद ये उन्होंने कहा कि आप वीडियोग्राफी और पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अप्लीकेशन दीजिए, एफआईआर हो। हम लोग ने अप्लीकेशन दिया, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई मगर हम लोग को दिया भी नहीं गया। दूसरी चीज़, अब यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है मिट्टी दे दीजिए, दफना दीजिए, एफआईआर आपको सुबह मिल जाएगी। हम लोगों ने कहा जब आपको सुबह एफआईआर देंगे तब हम लोग मिट्टी करेंगे और आरोपी तो गिरफ्तारी करेंगे, जिसमें तमाम पुलिस के अधिकारी लगे हुए हैं और तमाम दबाव। आपका नाम? संजय कोरी। आप अपने भाई का अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यशो के खिलाफ हम वो अप्लीकेशन डाले हैं, वो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। आप एफआईआर जब तक दर्ज नहीं करेंगे तब तक हम अपने भाई की लाश को दफनाएंगे नहीं। अगर वो हमारा एफआईआर दर्ज करते हैं तो लाश को हम दफना देंगे। पुलिस प्रशासन आपके ऊपर दबाव बना रहा है? जी जी। क्या कहते हैं पुलिस? यही कह रहे हैं कि मिट्टी दे दीजिए और कुछ नहीं। तो आपने नहीं कहा कि हमारा एफआईआर पंजीकृत कर लीजिए, हम मिट्टी दफन करेंगे? कई बार प्रयास किए कि तहरीर दिए, कुछ नहीं बोल रहे, कर नहीं रहे, एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। केवल दबाव बना रहे हैं? केवल दबाव बना रहे हैं। अच्छा, इसमें किसको आरोपी आप मान रहे हैं? किसको? अरविंद कुमार पांडे। कौन है वो? यशो थाना कुड़वार। संजय यादव। विजय सिंह सिपाही। मतलब क्या प्रशासन आपसे क्या कह रहा है? प्रशासन नहीं कह रहा है, मिट्टी दे दीजिए बस। मिट्टी दे दीजिए, कार्रवाई करने के तैयार। हम अप्लीकेशन दर्ज नहीं करेंगे बस, हम नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप संस्कार कर दीजिए, पोती करने में लगा है कि खत्म हो जाए, अपनी लाश को दफना दे बस, सबूत मिटाना चाह रहा है। तो आप लाश दफन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, जब तक हमारा अप्लीकेशन नहीं दर्ज होगा एफआईआर उस एसओ के खिलाफ, तब तक हम लाश को दफनाएंगे।